अजमेर के डीएवी कॉलेज में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों और प्राचार्य में जमकर हाथापाई हो गई। प्रदर्शन से गुस्साए प्राचार्य लक्ष्मीकांत ने छात्र नेताओं से मारपीट कर धक्का मुक्की की और यही नहीं, प्राचार्य ने दबंगई दिखाते हुए छात्रों को झूठे मुकदमे में फंसाने और करियर खत्म करने की धमकी भी दे डाली। इस दौरान 2-3 छात्रों को चोटें भी आई है और मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों के खिलाफ रामगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। छात्र नेता मेहुल गर्ग ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल कक्ष के बाहर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्राचार्य ने अपनी दबंगई दिखाते हुए छात्रों के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की और इसमें कुछ छात्रों को चोट भी आई है। जानकारी के अनुसार कॉलेज में प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है और कॉलेज प्रशासन ने इस बार एग्रीकल्चर के पहले साल में प्रवेश की फीस बढ़ा दी है। फीस बढ़ोतरी नहीं करने की मांग को लेकर छात्र संघ एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रिंसिपल को ज्ञापन देने पहुंचे और यहां किसी बात पर कहासुनी हुई और जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। इधर प्राचार्य ने पूरी घटना की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ बदसुलूकी की और उन्हें वीडियो डिलीट करने की भी धमकी दे डाली। फिलहाल प्राचार्य ने मामले को लेकर एबीवीपी के छात्र नेता मेहुल गर्ग सहित अन्य छात्रों के खिलाफ रामगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है और जिस पर रामगंज थाना पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। डीएवी कॉलेज में एबीवीपी के जो छात्र और कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो लोग शांतिपूर्ण ज्ञापन देने पहुंचे प्राचार्य महोदय के कक्ष में। प्राचार्य महोदय ने बताया गया हमें कि प्राचार्य महोदय आउट ऑफ स्टेशन है, शहर में नहीं है, तो आप जो एक वहाँ के टीचर हैं जो रफीक सर हैं, रफीक सर को ज्ञापन दे दीजिए। हम लोगों ने रफीक सर को ज्ञापन देने के लिए कहा तो हमने बोला सर अंदर बैठ करके 2 मिनट छात्रों से हमने बात कर लेंगे। शांतिपूर्ण दे रहे थे ना आपको? शांतिपूर्ण ज्ञापन दे रहे थे। रफीक सर के साथ हम लोग प्रिंसिपल कक्ष में गए, कक्ष में जाते ही पता ही नहीं प्रिंसिपल सर एकदम कहाँ से आए। आते ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में स्टूडेंट्स के सामने बदतमीजी चालू। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।